क्योंकि पहले कोई भी काम करने से पहले कहते नहीं है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो इट वॉज लाइक दैट। और मैं सोच रहा हूँ हॉन्टेड ब्लॉग करने के लिए, चलो रिवील हो गया मेरे माउंट से तो वही है, किंग ऑफ द रोड, रोड किंग स्कॉर्पियो S11। तो स्कॉर्पियो S11 भी आई हुई है, इस पर भी सिरेमिक होने वाला है। बैक टू द चैनल। तो बहुत बहुत दिनों के बाद आज फाइनली व्लॉग बना रहा हूँ मैं, एंड समझ ही नहीं आ रहा था कि कब स्टार्ट करें, क्योंकि एक्चुअली इन दिनों में मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान था, और परेशान इसलिए था क्योंकि रिलेटिव्स में शादियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो शादी वादी अटेंड करते करते अपना व्लॉग का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा बीच में मिस हो गया। बट कोई बात नहीं, अब इसको कंटिन्यू करने का है, बस ये चीज़ है कि हाँ कंटिन्यू करने में तभी मज़ा आता है जब आप लोगों का भी सपोर्ट, थोड़ा सा भाई को सपोर्ट भी आप लोग करना, आप लोग भी सपोर्ट करना। एंड अभी अटल पथ पे हम लोग एंड चल रहे आगे। अभी शाम के 5:30-6 बज रहे हैं और चल रहे हैं बोरिंग रोड की तरफ, तो चलते हैं बोरिंग रोड। तो अभी लाइक यहाँ पे आया हुआ था मैं, क्योंकि पहले कोई भी काम करने से पहले कहते नहीं है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो इट वॉज लाइक दैट। एंड बाइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है या फिर कुछ और, कि बाइक में मैंने फ्यूल लिया 5 लीटर्स एंड चलाया अभी 60 किलोमीटर्स भी नहीं है सही से, और अभी ही 1 और 2 दिखाता है इसका ये फ्यूल गेज में, सारा तेल हवा में चला गया था। तो हाँ, तो कुछ बात करना था मुझे आप लोगों से, लाइक बहुत दिन से सोच रहा था बात करने के लिए, कि पिछली बार भी मैंने बोला था कि लाइफ स्टाइल ब्लॉग करूँगा, तो उस पर आप लोगों ने मतलब कुछ बताया नहीं कमेंट में, और नहीं बताया इसीलिए मैंने किया भी नहीं। तो इस बार ही बताओ कम से कम आप लोग कि क्या चाहिए, कि आप लोगों का कोई डिमांड नहीं रहता, आप लोग बहुत प्यारे बहुत अच्छे हो सब लोग। आप लोग बहुत ही अच्छे हो कि आप लोग कोई डिमांड नहीं करते, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा डिमांडिंग लोग चाहिए, क्योंकि डिमांड जब तक आएगा नहीं तो आइडियाज़ नहीं आएंगे नए नए, और आइडियाज़ नहीं आएंगे तो व्लॉग्स नए नए नहीं आएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। और मैं सोच रहा हूँ हॉन्टेड ब्लॉग करने के लिए, चलो रिवील हो गया मेरे माउंट से तो वही है। तो अभी यहाँ पे आया था तो सारे फ्रेंड्स अंदर थे, बट दे आर कॉलिंग मी, मैंने सोचा उन लोगों को बुलाया, बट वो लोग मुझे ही बाहर बुला रहे, मतलब सॉरी वो लोग मुझे अंदर आने को कह रहे थे, तो ऐसा तो कुछ होने वाला है ही नहीं अभी, मैं अंदर जाने से रहा, क्योंकि अंदर जाने का मतलब है बाइक को बाहर लगा देने, मतलब बाइक को अंदर बाइक को पहले बाहर पार्क करना पड़ेगा, पार्किंग चार्ज लगेगा, देन उसके बाद टिकट लगेगा, देन मैं अंदर जाऊँगा, बहुत बड़ा बात है, इतना मैं करने से रहा। यू मे गो, यू मे गो, आप जा सकते हैं, आप आजाद सही सही सही।
आ गए अपन लोग अपने अड्डे पे। तो ये आ गया मैं कार स्पा पे एंड गाड़ी को वॉश करवाते हैं। यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिस पर भी काम लगा हुआ है और काम हो ही रहा है सारे गाड़ियों पे। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को भी अपना अड्डा दिखा देते हैं, घुमा देते हैं कि मैं कहाँ बिज़ी रहता हूँ। आप लोगों को भी ये क्वेश्चन रहता ही है कि क्यों कंटिन्यू ब्लॉग्स नहीं आ रहे चैनल पे। तो अपना दूसरा भी वीडियो है, आई मीन टू से चैनल है, जिसको संभालना पड़ता है ना रविंदर भाई। तो उस चैनल को संभालने के लिए थोड़ा इधर लैग करता हूँ, इधर लैग करता हूँ, तो फिर थोड़ा उधर कंटिन्यूस रहता हूँ। तो दो दो गाड़ी संभालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 जब ड्राइवर का एक्सपीरियंस बढ़ता है तो दो दो गाड़ी चलता है सही से, है ना रविंदर भाई? सही बोले ना एग्जांपल। तो ये अपना रविंदर भाई है, यहाँ पे भाई अपना वर्क करता है, बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, एक नंबर काम करके देता है भाई। और ये अभी देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। ये स्विफ्ट डिज़ायर है, मतलब 10 ईयर्स ओल्ड कार है। और इसका जो है ना इतना ज़्यादा गंदा था गाड़ी ना भाई, इससे आप देख सकते हो बहुत मस्त क्लीन हुआ है। इसका वीडियो आपको सेकंड वाले चैनल पे मिलेगा, सेकंड वाला चैनल स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। और एक रैपिड भी खड़ी है अभी यहाँ पे, ये भी गाड़ी आई थी इंटीरियर क्लीनिंग के लिए। और भैया हमारे ऑनर यहाँ के, तो कोटिंग के लिए, अच्छा सो ये गाड़ी ये भी कोटिंग के लिए आई है। तो इसका भी वीडियो आपको मिलेगा चैनल पे, चैनल का नेम आ रहा होगा स्क्रीन पे, जाके देखो आप लोग। उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एंड दिस इज़ द किंग ऑफ द रोड, रोड किंग स्कॉर्पियो S11। तो स्कॉर्पियो S11 भी आई हुई है, इस पर भी सिरेमिक होने वाला है। तो अगर आप लोग कहोगे तो स्कॉर्पियो का वीडियो इस चैनल पे भी डालेंगे, अपने वाले चैनल पे भी डाल देंगे अगर आप लोग बोलते हो कमेंट करके, देन स्पेसिफिक इस गाड़ी का वीडियो श्योरली है कि मैं अपने चैनल पे डालूंगा। और ऐसे ऐसा दूसरे वाले चैनल पे तो ज़रूर डलाएगा वीडियो, वो वीडियो अपना डलाएगा इस वाले चैनल पे, कार जस्पा पटना पे, ठीक है? बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो अभी देखते हैं कि थोड़ा यहाँ पे मुझे काम है, तो पहले यहाँ का काम कंप्लीट करते हैं एंड अगर टाइम बचा तो इसे भी धुलवा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया गाड़ी, तो इसको भी थोड़ा सा धुलवा लेंगे, देन उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगा मैं। तो अभी सीधा परसों रात के बाद अभी मुझे टाइम मिला सीधा, अभी मैं अनदर देन अनदर डे आज इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला था एंड उस दिन रात हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं निकला था। एंड अभी देखो आप लोग सुबह के 8 बज रहे हैं और गर्मी कितना ज़्यादा आप लोग देख सकते हो, मतलब सुबह 8 बजे इतना ज़्यादा गर्मी। और यही रीज़न है कि अभी ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी इतना ज़्यादा शादी ब्याह का मामला चल रहा है इस मंथ में, कि इसके वजह से भी थोड़ा ज़्यादा बिजी था मैं। बट हाँ, अब कंटिन्यू रहूँगा, अब कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहता हर बार हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, लेकिन इस बार ही पक्का कंटिन्यू रहूँगा। और कल से इस ब्लॉग के बाद से कंटिन्यूस ब्लॉग्स आएंगे, चाहे जो भी रहे ब्लॉग्स, कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा पहले से ज़्यादा फ्री हो गया हूँ एंड प्लान कर रहे कुछ अच्छा करने का। तो होप सो कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।